टुडे इज द इलेट, आज है हमारे इलेट एग्जाम और इट इज द मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट एग्जाम दैट आई हैव टू गिव, क्योंकि एमएससीटी का तो होता पता ही नहीं है कब होगा, फिर भी होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर काउंसिलिंग होगी, 2022 शुरू हो जाएगा जब तक होगा। सो इलेट देंगे, उसके बाद मजे करेंगे। जी पेंटिंग थी इसलिए मैंने इसका शॉर्ट ले लिया। पहले चलते हैं, कुछ खाने को बोलते हैं, खाने को बोल दिया, खाना 10 मिनट में आ जाएगा। अब तक अपन तैयार तो अपन हो चुके हैं, तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, अपना सामान वामान पैक करेंगे, पर मजा है। अच्छा तुम लोग सोचते हो मैं मजा आलू पराठे, तो देखो ऐसा है कि मुझे बाहर को समझ नहीं आता क्या क्या, तो मैं वही मंगाता हूँ, तो मतलब नॉर्मली पसंद ही है उसे, ना नहीं कह सकते ऐसे आलू पराठे। तो अपने पास टाइम तो काफ़ी है वैसे, मैं को 1 बजे पहुँचना और बस कर लेना, हाँ टाइम है। चलो खाना वाना तो हो गया, अब अपना ये हमारा मिनी बैग पैक है, इसमें सारी एसेंशियल चीज़ें होती है जैसे कि आई कार्ड, एडमिट कार्ड चेक, पेन चेक, सब रख लिया। बैग उठाते हैं, जल्दी से भागते हैं। चलिए यार, पिछली बार पता नहीं क्या हुआ था, पिछली बार तो जब हम लोग अभी इलाहाबाद गए थे तो मैं तो भूल ही गया था कहाँ जाने को, तो शुक्र है कि होटल वाले ने अपनी रूम की चीज़ दे दी थी, जिससे मैं नाम देख के और गूगल पे सर्च करके पता लगा लिया कहाँ है, नहीं तो पहुँच ही नहीं पाते भाई होटल। तो चलते हैं, ओला बाइक मंगाते हैं, क्योंकि अगर कार से गए तो फंस जाएंगे, बहुत बारिश हो गई सर, अंदर तो पता ही नहीं चल रहा। कितना टाइम लगेगा अपन को पहुँचने में? कितना? अरे भाई कितनी मिलेंगी वहाँ तो, टाइम लगता है ना, बहुत टाइम है। जाओ क्या बोलते हैं, यहाँ से अपन आ रहे हैं काफी सही शॉट है अभी तो लेने का, और एक ये वाला टैक्सियाँ लगे क्यों बैठे बहुत सही, काफ़ी सही भीड़ है भैया यहाँ पे, उन लोगों ने पता नहीं बाहर टैक्सियाँ क्यों लगा के रखे, लेके तो जाते नहीं आते लोग, उतनी सी टैक्सी में होगा कितने सारे बच्चों। तो एग्जाम तो ओवर हो गया भाई साहब, इट इज द हार्ड एग्जाम था यार, मतलब पेपर तो इजी था, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, मतलब इट्स अ मॉडरेट एग्जाम, मतलब ऐसा कुछ हार्ड नहीं था उसमें करने को, लेकिन वहाँ से लौटने भाई साहब बैंड बज गई, हम लोग कम से कम चल रहे हैं 5 से 6 किलोमीटर पैदल। वो तो एक भाई मिल गया, एक दोस्त मिल गया जो जानते नहीं गए, लेकिन हम लोग बात करते करते आ गए,
कोई टैक्सी जाने को तैयार नहीं, डबल प्राइस मांग रही है, 2 को ले जाना है 200 रुपये को, 500 रुपये को, कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है। शुक्र है कि एक अंकल मिल के थे जिन्होंने बाइक से हम लोग को थोड़े आगे ड्रॉप कर दिया, नहीं तो पैदल आते आते तो हम लोग की ट्रेन ही में हमारी मिस ही हो जाती ट्रेन, पक्की बात है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन है अगले 1 घंटे में, 1 घंटे में 40 मिनट तो हम लोग को गोविंदपुर पहुँचना है, फिर वहाँ से सामान पैक करना है, सामान पैक करने सामान उठाना है, फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है, क्योंकि टाइम लग गया उसमें पहुँचना। और शुक्र है कि गाड़ी ट्रेन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वाकई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है यार लौटने में वहां से, मतलब बिल्कुल से भरे पड़े हैं लोग, ऊपर से जितने जो मुझे लोग हैं ना, लोग गाड़ी लेके आते हैं जो लोकल लाइट्स हैं वो, तो भाई साहब अपनी गाड़ी जो सेड़ दी उन्होंने वहाँ पे, और अपने बच्चे लेके जा रहे हैं उनसे लिफ्ट मांग रहे हैं तो लिफ्ट भी नहीं दे रहे हैं कि नहीं बेटा पैदल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यहीं बैठ जाओ, कॉलेज में रुक जाओ, मतलब लिफ्ट देने तक को तैयार नहीं यार ये, पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके क्यों आते हैं कॉलेज में, जब किसी को बैठाना नहीं तो यार मदद कर दो यार, हम स्टूडेंट्स ही तो हैं, हम लोग तो एग्जाम देने आए हैं तुम्हारे बच्चों की तरह, हम लोग को छोड़ दो थोड़े आगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया था वहाँ से निकलना कैसे। हाँ ये बात है, चलना बहुत ज़्यादा पड़ा, लेकिन ठीक है अपन ऑन टाइम है, अभी भी अपन पहुँच सकते हैं, अपन ट्रेन अपनी पकड़ सकते हैं। वाकई काफ़ी वाहियात लोग थे यार, मतलब कुछ लोगों ने तो मुंह पे मना कर दिया कि नहीं ले जा रहे, मतलब थोड़े तो रखो यार मना। तो होटल पहुंचने वाले हैं और इन लोगों की भी शायद पिछली बार की तरह पॉलिसी हो गई कि 24 आवर्स से आधा घंटा भी ज़्यादा रुके तो पूरे पैसे ले लेंगे, उससे पहले छोड़ यार, कब से चले जाते हैं भूल गए क्या अपन लोगों से। ट्वेंटी 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 टू में हम लोगों की यहाँ पे कोचिंग हुआ करते, तभी यहाँ पे भटकते रहते थे हम लोग सब, तो जल्दी से पैकिंग करना है, खाना खाने का तो टाइम है नहीं, रास्ते में फिर देख लेंगे, क्योंकि अगर अभी कुछ खाया ना तो टाइम लग जाएगा। आप इतना अंधेरा क्यों यहाँ पे, अरे क्या हो पावर कट हो गया क्या भैया, इस रूम की लाइट नहीं जल रही है, इस वाले रूम की लाइटें नहीं जल रही है, अब अपने पास है 25 मिनट्स पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन, नहीं तो ट्रेन गई और अगले 2 दिन तक कोई ट्रेन नहीं है, यहीं मरना पड़ेगा। आ गई क्या? हाँ आ गई, चलो पैकिंग करो निकलो यहाँ से, नहीं तो अपन तो कर ये देखो, पता तुम लोग क्या हुआ, घड़ी भूल गए भैया हम यहाँ पे, वहाँ पे हम वैसे होता नहीं, हम लोग चेकिंग करते हैं कि कितना सामान है नहीं है, एडमिट कार्ड आधार कार्ड वॉच देख भी, चलो रेलवे स्टेशन तक पहुँच गए,
लेकिन टैक्सी वाले से डबल पैसे लेते हैं, फायदा उठाते हैं, अर्जेंट है जिसको उससे डबल पैसे देते हैं, वैसे रिश्ते में आ जाते हैं, मान ही रहते हैं। तो मैं चलो ठीक है, क्या ही कर सकते, जाना तो गई नहीं तो ट्रेन चली जाएगी, दो दिन यहाँ फोन रुके बिना काम के। जो ट्रेन तो हम लोग जब ट्रेन पर है ना तो ये डिस्प्ले होने लगा था इन लोगों ट्रेन का, मतलब कि यही वाली ट्रेन हम 09 बोल रहे थे और हम लोग अभी भी पहुँचे और थोड़े लेट होते तो हमें सो जाए, देखते हैं कब तक आती है B2। इस बार तो कंफर्म टिकट है भाई, कोई पंगे नहीं। बात तो फिर वो टी सी में करते हैं, वो स्लीपर हो गए इसमें क्या बात, पैसे दो ए सी के हो बैठो स्लीपर और फिर पेनाल्टी लग। चलो तो घर आ गए, बहुत थक गए यार, तो घर जाके मस्त कुछ खाएंगे कुछ सोएंगे। वो तो बीच में उनका स्टेशन पड़ा था तो पापा थे झांसी में, तो उन्होंने टिफिन दे दिया था, तो हम लोगों का जो खाने वाला मसला हुआ था ना होटल में, कि होटल में खाने बैठते तो लेट हो जाते ट्रेन में सो जाते, तो मिसाइल हल हो गया, तो भूख का काम हो गया था,